उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय के नेतृत्व में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर स्वास्थ्य विभाग में व्यापक स्थानांतरण नियम विरुद्ध के विरोध में धरना प्रदर्शन किया तथा सीएमओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में विपरीत कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 26 जुलाई से 30 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। इस अवसर पर प्रांतीय उपाध्यक्ष बीपी सिंह, जिला मंत्री डीके सिंह, उमेश कुमार पांडे, सुरेश कुमार चौधरी, सोनबाला सोनकर, नंदलाल जी, गीतांजलि मौर्य, अनुप श्रीवास्तव, राजनाथ सिंह, सरिता यादव, नीलम, राकेश पाठक सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय ने कहा, मैं दुर्ग विजय, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर। ये स्थानांतरण नीति के तहत जो विपरीत स्थानांतरण नीति के विपरीत जो कार्य हुए हैं, जो स्थानांतरण कर दिए गए हैं, जैसे दाम्पत्य जो शासनादेश होता है, विकलांगों का जो होता है, सबको जो दो साल से नीचे उनका रिटायरमेंट हो गया था उनको भी ट्रांसफ़र, मतलब लगभग जितने अधिक से अधिक ट्रांसफ़र जो हुए वो शासनादेश के विरुद्ध हुए। सरकार की चूँकि मंशा थी कि शासनादेश के तहत साफ और सुथरी और स्वच्छ तरीके से सरकार को नेतृत्व में अच्छी छवि बनाई जाए, लेकिन उसके विपरीत यह कार्य किया गया है। निश्चित रूप से उसी को लेकर के पूरे प्रदेश में 20 तारीख से 24 तारीख तक हम लोग काला फीता बांध करके कार्य किए हैं। उसके बाद 25 को एक दिवसीय धरना आज पूरे प्रदेश में प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर माननीय सीएमओ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित होगा। उसके बाद अगर मेरी बातें नहीं मानी जाती है तो 26 से 30 तक स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे।